हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में प्रेजेंट होती है यानी कि प्लांट सेल में, और जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में अवसेंट होती है। पादप कोशिका में ये जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में प्लांट सेल में सेलवाल जो है ये किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, प्लांट सेल में जो है, प्लांट सेल का जो सेलवाल है वो किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, हेमी सेलुलोज का या पेक्टिन का बना हुआ होता है। कुछ में जो है लिग्निन और सुबेरिन भी पाए जाते हैं। ठीक है, लिग्निन और सुबेरिन भी पाए जाते हैं। ठीक है, पादप कोशिका में जो सेलवाल होता है वो किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, हेमी सेलुलोज या पेक्टिन का बना होता है, और कुछ जो है लिग्निन या सुबेरिन भी पाए जाते हैं। इसके बाद पादप कोशिका में पाई जाती है सेलवाल, और किस में पाई जाती है सेलवाल? जो है बैक्टीरिया की सेलवाल जो है किस चीज की बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड। ठीक है, प्रोटीन लिपिड की बनी होती है, या जो है कुछ पॉलीसैकेराइड और जो है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। कोशिका भित्ति और किसमें पाई जाती है? फंजाई अर्थात कवक की कोशिका भित्ति। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये चीज आपको याद रखना है, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमी सेलुलोज या पेक्टिन की बनी होती है। कुछ में जो है लिग्निन या सुबेरिन भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति जो है वो प्रोटीन लिपिड या पॉलीसैकेराइड या जो है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, फंजाई जो कवक है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। इसके बाद जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? तो कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? कोशिका भित्ति की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ये था कोशिका भित्ति के बारे में थोड़ा सा, कि किसमें किस चीज की कोशिका भित्ति बनी होती है और कोशिका भित्ति की खोज किसने की है। इसके बाद अब आपको पढ़ना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेलवाल, इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेलवाल। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेलवाल, स्ट्रक्चर ऑफ सेलवाल यानी कि कोशिका भित्ति की संरचना। तो कोशिका भित्ति की संरचना यहाँ पे हम बना रहे हैं।
यहाँ पे ये जो है बना हुआ कोशिका भित्ति की संरचना, बीच में जो है, बीच में क्या पाई जाती है, यहाँ बीच में होती है मध्य पटलिका, बीच में मध्य पटलिका अर्थात मिडिल मिडिल लैमेली, ठीक है। और इसके साइड साइड में ये वाला जो है ये क्या है, ये है प्राइमरी सेलर वॉल यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति। और इसके बाद वाला पार्ट जो है यहां से यहां तक का पार्ट जो है ये है सेकेंडरी सेलर वॉल यानी कि द्वितीयक कोशिका भित्ति। इस साइड में भी यहां से यहां तक का पार्ट जो है ये है द्वितीयक कोशिका भित्ति अर्थात सेकेंडरी सेलर वॉल, ठीक है। तो कोशिका भित्ति की संरचना जो है इसमें आप देख रहे हैं कि तीन जो है लेयर पाई जाती है। पहला जो है मध्य पटलिका, उसके बाद बीच में जो है क्या पाई जाती है, मध्य पटलिका पाई जाती है। मध्य पटलिका के दोनों ओर जो है क्या पाई जाती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मध्य पटलिका जो है ये दो कोशिकाओं के बीच में ये क्या करती है, दो कोशिकाओं के बीच में किसका काम करती है, सीमेंटेड ठीक है। बीच में जो है क्या पाई जाती है, मध्य पटलिका पाई जाती है। हम कह सकते हैं कोशिका का जो सबसे बाहरी स्तर होता है वो क्या होता है, मध्य पटलिका होता है, मिडिल लैमेली होती है। मिडिल लैमेली के दोनों तरफ क्या पाई जाती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। और प्राथमिक कोशिका भित्ति सॉरी मिडिल लैमेला जो है ये क्या करती है, दो कोशिकाओं के बीच में सीमेंटेड का कार्य करती है, यानी कि दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। जिस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं बीच में मध्य पटलिका, इसके दोनों साइड में क्या है, प्राथमिक कोशिका भित्ति है। और प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ जो है क्या पाई जाती है, द्वितीयक कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है आप देख रहे हैं इसके तीन स्तर होते हैं S1 S2 और S3 ठीक है। ये जो प्राइमरी कोशिका भित्ति है, प्राइमरी सेल वॉल है, ये किस चीज की बनी होती है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्राइमरी सेल वॉल ये किस चीज की बनी होती है, तो ये सेलुलोज हेमी सेलुलोज और जो है पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। यहाँ पे जो मध्य पटलिका है, मध्य पटलिका आप देख रहे हैं कि दो प्राथमिक कोशिकाओं के बीच में पाई जाती है, और ये दो कोशिकाओं के बीच में सीमेंटेड का कार्य करती है। और ये किस चीज की बनी होती है, कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टिन, ये जो है कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। और प्राइमरी सेल वॉल जो है ये सेलुलोज हेमी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये कैसी होती है, तो ये जो है थिन और इलास्टिक, ये थिन होती है और इलास्टिक होती है यानी कि पतली होती है, और कैसी होती है, लचीली होती है। इसके बाद जो द्वितीयक सेल वॉल है यानी कि सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये भी सेलुलोज हेमी सेलुलोज और लिग्निन किसकी बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है। इसकी बनी होगी ये लिग्निन की बनी होती है, सेलुलोज हेमी सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। और ये किसके कारण, ये जो है लिग्निन के जमाव के कारण, ये किसके कारण बनती है, लिग्निन के जमाव के कारण बनती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति किसके कारण बनती है, लिग्निन के जमाव के कारण बनती है। और ये कैसी होती है, ये जो है थिक होती है,
और नॉन इलास्टिक होती है, ये कैसी होती है? थिक होती है और नॉन इलास्टिक होती है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि जो मध्य पटलिका है ये दो कोशिकाओं के बीच में पाई जाती है, अर्थात दो प्राथमिक कोशिकाओं के बीच में पाई जाती है। ये जो है दो कोशिकाओं के बीच में सीमेंटेड का कार्य करती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टिन की बनी होती है। उसके बाद प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है, प्राथमिक कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति कैसी होती है? थिन और इलास्टिक होती है, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ क्या पाई जाती है? द्वितीयक कोशिका भित्ति पाई जाती है। और द्वितीयक कोशिका भित्ति जो है किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। और ये द्वितीयक कोशिका भित्ति जो है ये लिग्निन के जमाव के कारण बनती है। और ये कैसी होती है? ये थिक होती है और ये नॉन इलास्टिक होती है, ठीक है। और जो है ये जो द्वितीयक कोशिका भित्ति है ये किसमें, ये जो है मेरिस्टमैटिक सेल में जो है सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? अब्सेंट होती है। ये जो है मेरिस्टमैटिक सेल जो होते हैं, मेरिस्टमैटिक सेल में द्वितीयक कोशिका भित्ति जो है वो क्या होती है? अब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है, ठीक है। और द्वितीयक कोशिका भित्ति के आप देख रहे हैं कितने स्तर हैं? तीन स्तर हैं, S1, S2 और S3। ये था आपका द्वितीयक कोशिका भित्ति। और द्वितीयक कोशिका भित्ति के बाद जो है कुछ चीजें, यानी जैसे जो आपके जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, अनावृत बीजी पौधे होते हैं, उसमें तृतीयक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, ठीक है। जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें तृतीयक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो ये था आपका कोशिका भित्ति की संरचना, जिसमें आपने देखा कि इसमें तीन स्तर होते हैं, मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीयक कोशिका भित्ति, ठीक है। प्राथमिक कोशिका भित्ति आपने देखा, उसके बाद जो है मिडिल लैमेला जो है उसको भी आपने देख लिया किस चीज से बनी होती है, उसका कार्य क्या होता है। और द्वितीयक कोशिका भित्ति आपने देखा किस चीज की बनी होती है और उसका कार्य क्या होता है, ठीक है। और ये द्वितीयक कोशिका भित्ति जो मेरिस्टमैटिक सेल होते हैं, यानी कि जो विभिजोतक टिश्यू होते हैं, विभिजोतक कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो है सेकेंडरी सेल वॉल द्वितीयक कोशिका भित्ति क्या होती है? अब्सेंट होती है, द्वितीयक कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें इतना ही था सेल वॉल का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आपको देखना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, यानी कि ये थी सेल वॉल की कोशिका भित्ति की संरचना। अब इसके बाद आपको देखना है कोशिका भित्ति की परा संरचना। तो इसको आप फिगर बना लेंगे पहले। फिगर बनाने के बाद जो है आप पहले हेडिंग लिखेंगे मध्य पटलिका, और मध्य पटलिका में लिखेंगे कि ये जो है मध्य पटलिका के दोनों तरफ क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, अर्थात मध्य पटलिका जो है दो कोशिकाओं के बीच में पाई जाती है। और ये दो कोशिकाओं के बीच में किसका कार्य करती है? सीमेंटेड का कार्य करती है। मध्य पटलिका जो है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टिन की बनी होती है। और ये बहुत ज्यादा कैसी होती है? कठोर होती है। आपने देखा होगा कि जो कच्चे फल होते हैं, कच्चे फल कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। और वो कच्चे फल जब पक जाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं? कठोर नहीं होते हैं, वो मुलायम हो जाते हैं। तो कठोर फल, कच्चा फल जो है वो कठोर क्यों होता है और पक्के फल मुलायम क्यों हो जाते हैं? उसका कारण जो है, उसका कारण है मध्य पटलिका अर्थात मिडिल लैमेली। कच्चे फल में जो है क्या पाई जाती है? मिडिल लैमेली पाई जाती है। और धीरे धीरे जब फल पकता है तो ये मिडिल लैमेली जो है ये धीरे धीरे क्या होकर जाती है? गल जाती है, जिससे फल जो है वो कैसा हो जाता है? मुलायम हो जाता है। उसके बाद मध्य पटलिका के दोनों तरफ क्या है? प्राथमिक कोशिका भित्ति है। प्राथमिक कोशिका भित्ति हेडिंग लिखेंगे, प्राथमिक कोशिका भित्ति में आप लिखेंगे कि यह सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये कैसी होती है? ये थिन होती है, यानी कि पतली होती है, और इलास्टिक होती है अर्थात लचीली होती है, ठीक है। उसके बाद आप द्वितीयक कोशिका भित्ति लिखेंगे, फिर उसमें लिखेंगे कि द्वितीयक कोशिका भित्ति जो है प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ पाई जाती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति के तीन स्तर होते हैं, S1, S2 और S3। द्वितीयक कोशिका भित्ति जो है ये किस चीज के? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण किसके कारण होता है? लिग्निन के जमाव के कारण होता है। और द्वितीयक कोशिका भित्ति जो है ये कैसी होती है? थिक होती है अर्थात मोटी होती है, और नॉन इलास्टिक होती है अर्थात लचीली नहीं होती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति जो है वो मेरिस्टमैटिक सेल अर्थात जो क्या होते हैं? विभिजोतक कोशिकाएं होती हैं, उनमें ये अनुपस्थित होती हैं। और फिर उसके बाद तृतीयक कोशिका भित्ति या फेडिंग लिखेंगे, उसमें लिखेंगे कि कुछ अनावृत बीजी पौधे यानी कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में क्या पाई जाती है? तृतीयक कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसके जाइलम वाहिनिकाओं में जो है तृतीयक कोशिका भित्ति
पाई जाती है। और तृतीय कोशिका भित्ति में जो है क्या पाया जाता है, जाइलिन नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तृतीय कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है, जाइलिन नामक कार्बोहाइड्रेट, जाइलिन नामक कार्बोहाइड्रेट, जाइलिन नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके बाद आपको हेडिंग लिखना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति की परा संरचना। इसके बाद आपको हेडिंग क्या लिखना है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति की परा संरचना। तो कोशिका भित्ति की परा संरचना जो होगी उसमें क्या होगा, कोशिका में जो है यानी कि कोशिका भित्ति में क्या पाए जाते हैं, दो घटक पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति में दो घटक पाए जाते हैं, पहला जो है वो क्या है, तंतुक यानी कि फाइब्रिल, और दूसरा जो है वो है मैट्रिक्स, दूसरा है मैट्रिक्स, फाइब्रिल और मैट्रिक्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति जो है ये ढेर सारी या कई जो है किससे, हम कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति जो है कई बृहद तंतुक से मिलकर बनी होती है। कोशिका भित्ति जो है कई बृहद तंतुक से मिलकर बनी होती है। और जो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो तंतुक होते हैं, तंतुक के बीच में जो स्थान पाए जाते हैं उस स्थान में क्या पाए जाते हैं, मैट्रिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें हम देख रहे हैं कि दो घटक हैं, तंतुक और मैट्रिक्स। हम कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति जो है कई बृहद तंतुक से मिलकर बनी होती है, और बृहद तंतुक के बीच में जो स्थान होता है उस स्थान में क्या उपस्थित होते हैं, मैट्रिक्स उपस्थित होते हैं, अर्थात मैट्रिक्स भरे होते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो बृहद तंतुक होते हैं, बृहद तंतुक कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे एक सिक्वेंस, लगभग 3000 से 6000 सेलुलोज मिलकर, लगभग जो है 3000 से 6000 सेलुलोज नहीं ग्लूकोज 3000 से 6000 ग्लूकोज मिलकर जो है किसका निर्माण करते हैं, यहाँ पे सेलुलोज, एक सेलुलोज श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, लगभग जो है 3000 से 6000 ग्लूकोज मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक सेलुलोज श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे 100 सेलुलोज जो है, 100 सेलुलोज मिलकर के, 100 सेलुलोज मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, 100 सेलुलोज मिलकर एक मिसेल, 100 सेलुलोज मिलकर एक मिसेल का निर्माण करते हैं, एक मिसेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और 20 मिसेल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, 20 मिसेल मिलकर एक लघु तंतुक अर्थात माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करते हैं, और लगभग जो है 250 लघु तंतुक, 250 लघु तंतुक मिलकर क्या बनाते हैं, एक बृहद तंतुक यानी कि
माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से जो है कोशिका भित्ति बनी होती है। तो आप देख रहे हैं लगभग 3000 से 6000 ग्लूकोज मिल करके किसका निर्माण करते हैं, एक सेलुलोज का निर्माण करते हैं, और 100 सेलुलोज मिल करके किसका, एक मिसेल का निर्माण करते हैं, फिर 20 मिसेल मिल करके एक लघु तंतु का निर्माण करते हैं, और लगभग 250 या जो है यहाँ पे हम 250 नहीं लिखेंगे, 150 लघु तंतु मिल करके किसका निर्माण करते हैं, एक बृहद तंतुक का निर्माण करते हैं, और यही बृहद तंतुक मिल करके किसका निर्माण करते हैं, कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। और बृहद तंतुक के बीच बीच में जो स्थान होता है, जो खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान में क्या भरे हुए होते हैं, मैट्रिक्स भरे हुए होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसको आप नोट कर लेंगे, कोशिका भित्ति की परासंरचना, इसमें आप लिखेंगे कि कोशिका भित्ति में दो घटक पाए जाते हैं, तंतुक और मैट्रिक्स। ठीक है, अर्थात जो हम कहेंगे कि कई जो है कोशिका भित्ति कई बृहद तंतुक से मिलकर बनी होती है, बृहद तंतुक के बीच में जो खाली स्थान होते हैं उन खाली स्थानों में मैट्रिक्स भरे होते हैं। उसके बाद लिखेंगे कि 3000 से 6000 ग्लूकोज मिलकर एक सेलुलोज श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और 100 सेलुलोज श्रृंखला मिलकर के एक मिसेल का निर्माण करते हैं, और 20 मिसेल मिलकर के एक लघु तंतुक का निर्माण करते हैं, 150 लघु तंतुक मिलकर एक बृहद तंतुक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है सेल वॉल के कार्य देखने हैं आपको, इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद फंक्शन ऑफ सेल वॉल, इसके बाद आपको पढ़ने हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति के कार्य। ठीक है, तो कोशिका भित्ति के कार्य में आप पहला लिखेंगे, कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, ये जो है कोशिका के आकार को बनाए रखता है और कोशिका के आकार का क्या करता है, निर्धारण करता है। तो आप इसमें लिखेंगे सबसे पहले कि ये जो है कोशिका के आकार को बनाए रखता है, कोशिका के आकार को बनाए रखने और कोशिका के आकार का निर्धारण करने का कार्य करता है। सबसे पहला है कोशिका के आकार को बनाए रखने और कोशिका के आकार का निर्धारण रखने का कार्य करता है। दूसरा जो है ये क्या करता है, कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, ये जो है कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, ये क्या करता है, कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तीसरा जो हो जाएगा कीड़ों से, या जो है हम कह सकते हैं कि जो रोगजनक होते हैं कीड़ों और रोगजनकों से सुरक्षा प्रदान करता है, ये क्या करता है, कीड़ों और रोगजनकों से सुरक्षा प्रदान करता है। और चौथा हम लिख लेंगे कि यह जो है स्फीति दाब उत्पन्न करता है, ये क्या करता है, स्फीति दाब उत्पन्न करता है का मतलब क्या होगा, स्फीति दाब उत्पन्न करने का मतलब होता है कि ये जो है पानी के दबाव के कारण जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली को फटने से रोकता है, ये क्या करता है, कोशिका झिल्ली यानी कि पानी के दबाव के कारण कोशिका झिल्ली को फटने से रोकता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि स्फीति दाब उत्पन्न करता है, अर्थात यह पानी के दबाव के कारण कोशिका झिल्ली को टूटने से या फटने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली को ये टूटने से या फटने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, ये है इसके कार्य।
आपने देखा कि ये क्या करता है, कोशिका के आकार को बनाए रखने और कोशिका के आकार का निर्धारण करने का कार्य करता है। दूसरा जो है कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तीसरा है कीड़ों और रोग जनकों से सुरक्षा प्रदान करता है। और ये क्या करता है, ये स्फीति दाब उत्पन्न करता है। इसका मतलब होता है कि यह पानी के दबाव के कारण जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली को टूटने से या फटने से रोकता है। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। कोशिका भित्ति में आपको इतना ही पढ़ना है, इसको आप पढ़िएगा और नोट बनाइएगा, ठीक है। और अपने जो है कांटेक्ट के जो लोग हैं उनमें आप इनको शेयर करते रहिए, जिससे जो है अधिक से अधिक लोग पढ़ सके इसे, ठीक है। थैंक यू।